तो इस एक्स्ट्रा क्लास में एक और हम प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं, वीवीएस रिलेटेड ये प्रॉब्लम है और ये आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। हमारे एक स्टूडेंट है डॉक्टर जसपाल सिंह, पुराने स्टूडेंट है और अच्छे ग्रेजुएट स्टूडेंट है। उन्होंने मुझसे एक सवाल कई दिन पहले पूछा था कि उनके पास एक लिस्ट है, नेम ऑफ लिस्ट है, मतलब उनको सीट ऐड करना है, क्योंकि हम सीट से पहले सीट ही पढ़ रहे। सॉरी सर, अप्रैल टू मार्च 12 सीट ऐड करना है, अप्रैल टू मार्च, समझ गए? तो यहाँ पे बेसिकली और उनका कहना है कि सर मैं कुछ सीट ऐड भी कर चुका हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे अप्रैल ऐड कर चुका हूं, अप्रैल सॉरी यहाँ पे हाँ APR अप्रैल 19 ऐड कर चुका हूं, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि पिछले मुझे चाहिए कि बाकी जो है ऐड हो जाए, जो सीट हमने ऐड नहीं किया है वो सीट ऐड, मतलब 12 सीट हमें चाहिए, जो सीट है वो सीट का नाम नहीं ऐड होना चाहिए, समझ गए सर? चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं। बुक टू में इंसर्ट मॉड्यूल, और यहाँ पे अभी क्योंकि सब वन टाइम ऐड करना है इसलिए हम इसे सब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली लूप चलेगा कि 4i इक्वल टू चले 1 to 12, 12 चलाना है हमें। नेक्स्ट, पहले हमें सीट ऐड करने है ना, तो यहां पे हमें और यहां ऊपर हम एक लेते हैं कि dim s as a string, और यहां देते हैं कि if s इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मंथ नेम, मंथ नेम, मंथ नेम में i को लिया और ट्रू कर दिया शॉर्ट के लिए, नहीं फॉल्स होगा, माफ हाँ ट्रू होगा, ट्रू होगा। और फिर कंडीशन देंगे कि कंडीशन देना होगा हमें, अब इसमें हमें चेक करना है कि जो मंथ हम ऐड कर रहे हैं जिस नाम से, उस नाम का हमारे पास सीट नहीं होना चाहिए, तो s इक्वल टू s के साथ हमने कॉनकेटेनेट किया डैश 19। नहीं 19 हटा देते हैं, वो जैन टू यही है, 19 वाला प्रॉब्लम हो जाएगी सर, वो बाद में करेंगे इस पे लेटर, याद है मुझे पता है उन्होंने 19 इस तरह का ईयर डिक्लेयर नहीं किया है। यहां पे हम करेंगे इफ, अब यहां पे एक और लूप लगेगा कि 4i नहीं j इक्वल टू चले 1 to seats.count, और कंडीशन होगा कि इफ s इक्वल टू सीट्स आई जे जे डॉट नेम देन, अब यहां पे मैं यहां पे एक काउंटर दे देता हूं कि डिम सी एज ए स्ट्रिंग, और यहां पे मैं करता हूं कि सी इक्वल टू सी प्लस 1, और यहां पे एंड इफ, और फिर यहां पे हम नेक्स्ट जे करते। तो हमने चेक कर लिया कि
इस नाम का सीट अवेलेबल तो नहीं है, अगर इस सीट का नाम अवेलेबल होगा तो सी के ऊपर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब उसके बाद यहां होगा कि इफ सी इज ग्रेटर देन, सॉरी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन नहीं, सी इज इक्वल टू 0 होगा, हाँ सी इज इक्वल टू 0, देन हम बोलेंगे सीट्स डॉट एड, और हमने यहां पे दे रहा बिफोर ने आफ्टर, हमने बोल दिया सीट्स सीट्स डॉट काउंट, और काउंट, और नहीं ये एच ही रहने देते, डॉट ने सीट डॉट काउंट डॉट, यहां पे डॉट नेम इक्वल टू एस एंड इफ और सी इक्वल टू 0 और नेक्स्ट आई, तो ये क्या करेगा आपको सीट को सिर्फ ऐड करेगा, सीट ऐड करेगा। आप एक बार इसको चला के देख लीजिए, मैं इसको चला देता हूं, टाइप मिसमैच, अच्छा यहाँ स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे छोटी सी दिक्कत हो गई है, फिर से इसको रन करना पड़ेगा, ऑलरेडी टेकन, APR, ओके बेसिकली ये स्मॉल और कैपिटल का फर्क पड़ रहा है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि VVA का जो इफ है वो केस सेंसिटिव होता है, VVA का इफ हमारा केस सेंसिटिव होता है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए इस केस सेंसिटिव वाले प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं यू केस लगा के, यू केस हम दोनों को अपर केस में कन्वर्ट करके हम मैच करेंगे ताकि अगर केस ऊपर नीचे हो तो कोई फर्क ना पड़े, एक्सेल में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका यहां देखिए पूरा सीट ऐड हो चुका है, तो सीट ऐड वाले के अब सीट को सीक्वेंस भी करना है, सीट हमारा मंथली सीक्वेंस हो जाए, बारह सीट ऐड है हमारा, लेकिन हम चाहते हैं कि सीट हमारा मंथली मार्च ना मंथली है, लेकिन मेरा सीट मंथली ये होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए अप्रैल टू मार्च, तो हमें इसके लिए ये हो गया। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे नीचे इसमें, अब इसमें मुझे एक और लूप लगाना पड़ेगा कि फोर आई इक्वल टू, चले 4 to 12 और फिर हमने नेक्स्ट अलग बना देता हूँ इसके लिए मैक्रो, तो सीट ऐड करने का मैक्रो समझ में आ गया, फिर आगे के मैक्रो हम समझाएंगे। हमने सबसे पहले लूप लगाया 12 कि हमारा कोड को बार बार चले, मंथ नेम क्या करेगा कि 1 को जैन, 2 को फेब, 3 को मार्च में कन्वर्ट करके स्पेस स्टोर कर देगा। फिर हमारा फोर जे लूप चला, हमने चेक किया कि जो मंथ स्टोर हुआ एस पे उस मंथ के नाम का कोई सीट अवेलेबल तो नहीं है, हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, इसमें यू केस हमने इसलिए दिया क्योंकि यू केस अपर केस में कन्वर्ट करेगा, केस सेंसिटिव होता है, अगर एक भी नाम इसको मिलेगा तो सी के ऊपर एक नंबर स्टोर कर देगा, दो मिलेगा तो दो स्टोर करेगा, हर बार एक एक ऐड करता चला जाएगा।
आफ्टर दैट वो चेक करेगा कि सी के ऊपर अगर कोई कोई वैल्यू स्टोर हुई है, मतलब कि ऑलरेडी सीट है, अगर नहीं हुई है तो नहीं है, तो सीट को ऐड करे और उसका नाम जो है वो एस दे, जो कि यहाँ मंथ नेम में कन्वर्ट हुआ है, और फिर सी को हमने वापस जीरो दे दिया ताकि वो फिर से लोड करेगा। ये हमारा था किसका कोड, ताकि हम चेंज कर सके। अब अगला कोड हमारा आता है इसको सीक्वेंस करना, जिसमें मुनीर जी आपको ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपकी जो प्रोजेक्ट थी उसमें सीट को सीक्वेंस करने की जरूरत है, इसलिए आप इस प्रोजेक्ट को देखो। खाली इसी चीज के लिए मैंने एग्जांपल आपको बताया है। तो यहाँ पे लगाएंगे 4i = 4 to 12। 4 to 12, 1 to 12 क्यों नहीं किया, 4 to 12 क्योंकि मुझे अप्रैल टू जैन चाहिए, तो 1 to 12 तो फिर जैन कैलेंडर ईयर हो जाएगा, लेकिन मुझे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर आपको कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चाहिए तो यहाँ पे आप 1 to 12 कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम देते हैं सीट्स आई डॉट मूव, मूव बिफोर सीट आई, नहीं बिफोर नहीं, आफ्टर न होगा, आफ्टर आई सिंपल सा हमने दिया हुआ है। अब इसको एक बार मैं रन करता हूं, तो अब आप देखिए यहां पे कि आपको नहीं नहीं 1 2 3 एक गलत किया हमने, यहां पे हमें लिखना एक एक वेरिएबल लेना होगा डिम आर एज ए लॉन्ग, और यहां हो जाएगा आर इक्वल टू आर प्लस 1, और यहां होगा आपका R इक्वल टू R। अब मूव देखेंगे आप, तो सीट ओ सॉरी इसमें कुछ और तिग्रम करना पड़ेगा, नहीं 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 सीट R नहीं होगा, सीट R नहीं होगा यहां पे, यहां पे होगा आपका मंथ नेम, मंथ नेम I कॉमा डॉट मूव इज द पहले पोजिशन।